नमस्कार, मैं राजेश कुमार स्पेन से बोल रहा हूँ। मेरे पिताजी श्री छोटू राम 20 साल बाद मुझे राधा स्वामी सत्संग ब्यास कुरुक्षेत्र से मिले हैं। मैं दिल से राधा स्वामी सत्संग ब्यास कुरुक्षेत्र का धन्यवाद करना चाहता हूँ, जिसकी वजह से मुझे मेरे पिताजी 20 साल बाद मिले। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। की बात करें 20 साल से घर से गए थे। ये तो क्या वजह निकाली सत्संग में गए थे सरसा के अंदर, बस वहीं जा कर बाबा जी बन गए, उसके बाद घर नहीं गए कहीं। घर भी छोड़ा है वो, क्या वजह? बस सत्संग में लग गए, वहाँ से जाके सरसा के अंदर ही। कोई वजह नहीं थी, घर वो ठीक है, अच्छे हैं। 20 साल से मिले नहीं अपने घर वालों को, मिले नहीं 20 साल से। तो लड़कों को कैसे पता चला? हमने इनका एड्रेस पूछा भी कहाँ के रहने वाले हैं, उन्होंने बताया भी मैं वहाँ के रहने वाला हूँ। फिर हमने इनसे बात करी, फिर आगे इसके लड़के का फोन दिया, लड़के ने फिर इसके बात करी पेरिस से। तो लड़के कहाँ रहते हैं? एक लड़का गांव में रहता है, एक पेरिस में रहता है। पेरिस वाले की कोठी है पानीपत के अंदर, स्पेन में रहता हूँ। तो कल लेने के लिए आएंगे उसको, कल लेने के लिए आएंगे। यहाँ बहुत सुविधा है जी, हमारे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो कहाँ के रहने वाले हैं? हम पंजोखरा जी। तो ऐसा क्या 20 साल बाद जो आपने लड़के से आपकी बात हुई, किस तरह घर से निकले थे? मैं निकला अपना उसमें निकले था जी, कोई वो नहीं थी। मैं गंगानगर आया जी, मंदिर में, वैष्णो माता के मंदिर में 17 साल। किस वजह से घर से निकले? इस वजह से वैसी बड़े लड़के के थोड़ी सी टूटू मैं ऐसी हो गई थी, और कोई प्रॉब्लम नहीं। 20 साल मतलब बाहर रहे आप? हाँ, बाहर ही रहे। तो कभी मिले नहीं लड़कों? ना, मतलब नहीं मिले जी। तो कैसे कैसे मिले आप? ये तो बस वहाँ गंगानगर से आए नहीं, यहाँ कुरुक्षेत्र में से घूमने वास्ते मंदिर छड़ के फिर हम मंदिर में रहे। मैं 17 साल गंगानगर राजस्थान। यहाँ तो फिर इसने SI ने पता दिया, यहाँ मेरे गांव के थानेदारों की कोठी है, यहाँ उनसे पता लगे। क्या नाम है? छोटू राम। जो लड़के का क्या नाम है? बड़े लड़के का जी सतीश। कहाँ के रहने वाले? पंजोखरा। तो अब इसके बाद क्या वहाँ पे वो लड़का आएगा? हाँ, वो छोटा लड़का जी स्पेन जा रहा, वो पानीपत ले जाएगा। पानीपत उसकी कोठी है। पानीपत को, तो पानीपत इसके बाद आप अपने घर जाएंगे? हाँ, पानीपत जाऊँगा। ये जो सत्संग भवन है, इनके माध्यम से आप मिल रहे हो 20 साल बाद? हाँ जी, हाँ जी।